नमस्कार। तो बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है रत्नावली। रत्नावली क्या है? नाटक है, नाटिका है, क्या है ये? काव्य है, महाकाव्य है, क्या है? आज हम इसके बारे में जानेंगे, किसकी है, किसने लिखी है, कितने अंक हैं, तो इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर का जरूर जरूर करें, क्योंकि शेयर नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अभी ये जानकारी सभी को होनी चाहिए, ठीक है? तो अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो, और शेयर करने के बाद में कमेंट भी जरूर करें, ठीक है? वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, जैसा भी है, ठीक है? और आने अगर आपको कुछ और भी डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको हर टॉपिक पर कुछ ना कुछ नया सामग्री आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं हम नाटक, जो नायिका है अपना, जो रत्नावली है। रत्नावली क्या है? तो बेटा, रत्नावली एक नाटकीय रचना है, ठीक है? नाटिका है ये, ठीक। अब रत्नावली किसने लिखी है? रत्नावली श्री हर्ष जी ने लिखी है। हर्ष द्वारा रचित रत्नावली संस्कृत साहित्य की प्रथम नाटिका है। कौन सी नाटिका है ये? ये प्रथम नाटिका है श्री हर्ष जी की। अब शास्त्रीय पद्धति के अनुसार यह नाटक प्रकरण के मिश्रण से उद्भूत एक ललित नाटकीय रचना है। अब इसका नायक इतिहास तथा परंपरा प्रख्यात है, यद्यपि कथा योजना कभी कल्पित है। अब इसमें कौन सा रस प्रधान है बच्चों? इसमें है श्रृंगार रस प्रधान है। अब श्रृंगार रस प्रधान प्रस्तुत नाटिका में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, ठीक है? अब पहला अंक कौन सा? हम चारों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो पहला अंक में क्या होता है देखते हैं, ठीक। तो पहले अंक में क्या होता है? प्रारंभ में, शुरू में सिद्ध पुरुष की भविष्यवाणी के आधार पर, सिद्ध पुरुष की भविष्यवाणी के आधार पर नीति कुशल मंत्री कौन थे? यौगंध रायण षड्यंत्र से सिंगलेश्वर विक्रम बाहु की कन्या रत्नावली को वत्सराज उद्यन के यहाँ क्या होता है? मंगवा लेता है। और फिर तथा रत्नावली प्रचन्न रूप से सागर रेखा के नाम से दासी बनकर अंत्यपुर में रानी वासदत्ता के साथ रहने लगती है। ध्यान से सुनेंगे, अब उसके रूप लावण्य से सशंकित तो वासवदत्ता उसे सदैव राजा से दूर रखने का प्रयास करती है। उसे शंका होती है कि बहुत ज्यादा सुंदर है, ऐसा है, वैसा है, जो भी है, तो उसे सदैव दूर रखने का प्रयास करती है राजा से। परंतु देववशात मदनोत्सव प्रसंग में पेड़ों की झुरमुट काम वपु राजा उदयन के प्रथम दर्शन में वो सफल हो जाती है। वो राजा उदयन को देख लेती है। ये होता है प्रथम अंक में। और दूसरे अंक में क्या होता है? द्वितीय अंक में सागर रेखा जो होती है, सागर रेखा अपनी सखी, उसका नाम होता है सुसंगता, सुसंगता के साथ चित्त विनोद, है ना, चित्त विनोद के लिए राजा का एक चित्र बनाती है सुंदर सा, ठीक। जिसके पास सुसंगता सागर रेखा उन्हीं शब्दों को दोहराने लगती है, ठीक है? जो सुसंगता और सागर रेखा का जो वो क्या होता है, जो वो क्या करती है, वो चित्र विनोद के लिए, चित्र विनोद के लिए राजा का चित्र बनाती है। जिसके पास सुसंगता सागर रेखा उन्हीं शब्दों को दोहराने लगती है, ठीक है? अब जब वो शब्दों को दोहराती है तो जिसे वासवदता के साथ साथ मकरंदोधान जो होता है तो मैं प्रवेश करते हुए उदयन सुन लेता है, ठीक। अब जब उदयन सुन लेता है तब तक किसी बंदर को तूफानी हरकतों से हल्ला सुनता है, हल्ला होता है, सुसंगता व सागर रेखा दोनों भागती हैं। जल्दी में चित्रफलक वहीं पर छूट जाता है, वहीं पर गिर जाता है, तो राजा के हाथ में पहुंच जाता है, वो लग जाता है राजा के हाथ। अब गुप्त प्रणय को प्रकट करता है, परंतु वासवदत्ता इस घटना से क्षुब्ध हो जाती है, ठीक है? तो और ईर्ष्यावश, अब उसको ईर्ष्या होती है, ईर्ष्यावश वहां से सिरदर्द के बहाने अंत्यपुर में चली जाती है। अब
तीसरे अंक में क्या होता है, जो तृतीय अंक होता है ना, ये नाटक का नाटिका का हृदय कहा जाता है। ठीक, सागरिका खचित जो होता है वो चित्रफलक दर्शन, चित्रफलक दर्शन के उपरांत राजा उदयन सागरिका पर आसक्त हो जाता है। पूर्व योजना के अनुसार सागरिका वासवदता का तथा सुसंगता है ना, उन दोनों का दासी की कांचन माला का वेश धारण करके निश्चित स्थान पर मिलने के वासवदता का है ना, तो मिलने के लिए आती है। परंतु उदयन सागरिका की योजना की पूर्व सूचना प्राप्त है ना, जो प्राप्त कर लेने वाली असली जो वासवदता होती है, कि जैसे जब वो जो असली जो वासवदता होती है तो क्या होता है, निश्चित स्थान पर मिलने के लिए जब आती है, परंतु जो उदयन सागरिका जो होती है, उदयन और हमारे जो सागरिका की योजना की पूर्व सूचना प्राप्त कर लेने वाली असली वासवदता सागरिका के आने से पहले ही वहां पर पहुंच जाती है। अब उदयन और वासवदता को सागरिका समझकर सागरिका विषयक प्रेम लाभ करने लगता है। वासवदता अपने को प्रकट कर देती है और राजा उदयन लज्जित होकर वासवदता से क्षमा याचना करता है। ठीक, परंतु क्रुद्ध वासवदता वहां से चली जाती है। इधर क्या होता है, जब सागरिका वासवदता के रूप में वहां पहुंचती है तो भेद खुल जाने से अपमान भय से आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन सागरिका को किसी अज्ञात स्थान पर कैद कर उसके उज्जैनी चले जाने का झूठा प्रचार करती है। ठीक है, तो लेकिन वो क्या करता है, राजा उसे बचा लेता है। जब वो आत्महत्या करने का जब प्रयास करती है ना, तो वो उसको बचा लेता है। ठीक, अब जब उसे बचा लेता है तो क्या होता है, जी हाँ, तो जब वो उसको बचा लेता है तो अब क्या होता है, जब वो आत्महत्या करती है ना, तो आत्महत्या करने से करते करते तो करने वाली ही होती है, इतने में वहाँ पहुँच जाते हैं उदयन जी और वो उसे बचा लेते हैं, दोनों प्रेमालाप करते हैं। तब तक वासवदता पुनः आ जाती है और सागरिका को किसी अज्ञात स्थान पर कैद कर उसकी उज्जैनी चले जाने का झूठा प्रचार करती है। अब चौथे अंक में क्या होता है, चौथे अंक में इंद्रजालिक एक जादूगर आता है, इंद्रजालिक मतलब जादूगर आता है। अब उदयन तथा वासवदता उसकी कला देखते हैं, दोनों जने उसकी कला को देखते हैं, उस जादूगर की कला को देखते हैं और कला देखते तब तक सिंगलेश्वर के अमात्य वसु विभूति तथा वहाव्रय कंचुकी के आ जाने से राजा इंद्रजालिक खेल बंद करने को कहते हैं, उसको राजा इंद्रजालिक से खेल बंद करने को कहते हैं। इंद्रजालिक बाहर चला जाता है और फिर उदयन वासवदता व वसुभूति परस्पर बातें कर रहे हैं, अब आपस में बात कर रहे हैं। तब तक अमात्य योग रायण जो होते हैं कि योजना के अनुसार भयंकर अग्निदाह का दृश्य उपस्थित हो जाता है। वासवदता अंतपुर में कैद सागरिका को इस भीषण अग्नि ज्वाला से बचाने हेतु प्रार्थना करती है। अब राजा उदयन सागरिका को उस अग्निपुंज से बाहर कर लाता है, जहां उसके पिता के मंत्री वसुभूति तथा कंचुकी वाब्रह उसे पहचान लेते हैं और योगंदरायण जी क्षमा याचना करते हैं। भविष्यवाणी की पूर्ति हेतु अपनी सारी योजना का उद्घाटन करता है और वासवदता सागरिका को अपनी बहन के रूप में क्या करती है, अपने बहन के रूप में स्वीकार कर लेती है तथा राजा उदयन के साथ उसके वैवाहिक संबंध को पूर्ण करा देती है। इस प्रकार नाटिका का मंगल में अवसान होता है। अब प्रमुख पात्र, प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, प्रमुख पात्र हैं इसमें कौशाम्बी नरेश, वत्सराज उदयन, एक धीर ललित नायक, दूसरा है हमारे इसमें रत्नावली जो सागरिका है, नायिका वासवदता उदयन की पटरानी, और फिर हमारे योगंध रायण जी और अमात्य
विदूषक विजय वर्मा, वाब्रव्य और वसुभूति, इंद्रजालिक, कांचन माला, सुसंगता और फिर हमारी निपुणिका और वसुंधरा इत्यादि प्रमुख नाटिका के पात्र हैं। ध्यातव्य अर्थात ध्यान देने योग्य बात यह है कि नाटिका का प्रारंभ नांदीपीठ से होता है और समापन भरत वाक्य के साथ होता है। नांदीपीठ से इसका आरंभ होता है, शुरुआत होती है और भरत वाक्य से इसका समापन होता है। तो बच्चों आज मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर जरूर करें, ठीक है, जिससे कि सब कुछ सभी बच्चों का कुछ फ़ायदा हो और उनको भी सामग्री प्राप्त हो। और बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको कुछ और भी टॉपिक पर अगर कुछ नोट्स चाहिए तो, ठीक है, तो आप हमें ज़रूर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।